हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं आज हमारे पास IQ005G हैंडसेट है और ये ड्रॉप डाउन केस में आया है। ये डेड कंडीशन में है। ये यूट्यूब का फर्स्ट वीडियो होगा। आपने इस तरीके का डुअल लेयर का फुल सॉल्यूशन, इस तरीके का मदरबोर्ड का आपने देखा नहीं होगा। 30 मिनट्स का ये वीडियो है, पूरा एंड तक देखिए। आपको इसमें बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, ये बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जैसा आप देख रहे हैं, एक हमने जो SMD यूज़ की है 2008 की, जिसका एक बड़ा सा नोज़ल होता है, वो वाला हम यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली जो IC वगैरह लगाने के लिए हम नोज़ल यूज़ करते हैं, वो वाला इसमें यूज़ नहीं करना है आपको। या फिर नोज़ल को टोटली रिमूव कर सकते हैं, या फिर बड़ा वाला नोज़ल आप रख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, हीट हम 350 से 360 के आसपास रखेंगे। एयर जो है 2 से 3 एयर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नोज़ल को आपके पूरे PCB में आहिस्ता आहिस्ता से मूव करना है। और ये जो लिफ्टर देख रहे हैं आप, जो हम ब्लैक पेस्टेड CPU के लिए यूज़ करते हैं, इस तरीके का एक हैंडल आपको यूज़ करना है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, पूरा सोल्यूशन इसमें आपको मिलेगा, किस तरीके का लेयर इसमें होता है, कैसा स्टेंसिल इसमें लगता है रिबॉलिंग के लिए, और फिर कैसे हमको डुअल लेयर बोर्ड को सेपरेट करके क्लीन करना है, कैसे लगाना है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में हमने बताया है। और ये अच्छे से अगर आपको सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। नेक्स्ट बैच 27 मार्च से हमारा है, बुकिंग चल रहा है। अगर आप चाहें तो बुक करके आ सकते हैं। ऑनलाइन EMMC चेंज और UFS चेंज और MIPI टेस्टर EasyJetAg UFI की क्लास हमारी कल से स्टार्ट है, 5 मार्च से उसका बुकिंग चल रहा है। अगर आप चाहें तो उसमें भी बुक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ईजिली अपर लेयर को हमने रिमूव कर लिया है। और नीचे ड्रॉप डाउन केस में आपको अच्छे से चेक करना है, कोई कंपोनेंट या कॉइल वगैरह रिमूव तो नहीं हो गया है। ऐसे कंडीशन में हैंडसेट आपका डेड हो जाता है। तो यहाँ पे हम लेयर को सबसे पहले क्लीन कर लेंगे, और लेयर क्लीन करके इसके बॉल को हम स्टेंसिल से बना लेंगे। फिर हम PCB के जो बॉल है उसको हम अच्छे से क्लीन करेंगे, और उसके बाद इस लेयर को हम वापस से लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स और डिसोल्डरिंग वायर और आयरन हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्स यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर कोशिश करते हैं आपको हर स्टेप बाय स्टेप दिखाने की। थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिए, बिल्कुल स्किप ना करें, क्योंकि आपको सीखने बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में। बोर्ड को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है फ्रेंड्स। आयरन थोड़ा सा हीट हो जाए तो फिर हम यूज़ करेंगे। तो थोड़ा सा सोल्डर हमने इसमें मिक्स कर लिया है, नॉर्मल सोल्डर, जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाता है। जो ओरिजिनल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। ये देख सकते हैं कितनी आसानी से आहिस्ता से आपको इस तरीके से क्लीन करना है। PCB को डैमेज नहीं करना है, बस जो बॉल है उसको क्लीन करना है आपको। थोड़ा सा डिसोल्डर वायर या फिर सोल्डर पेस्ट यूज़ कर लें। तो यहाँ पर डायरेक्टली आयरन से हम क्लीन कर रहे हैं, फिर हम डिसोल्डर वायर भी यूज़ करेंगे इसमें। सबसे पहले जो कंपनी का जो हार्ड सोल्डर होता है उसको रिमूव कर लेते हैं, फिर हम इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर लेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों, फोनफिक्स हैदराबाद में आपको बेसिक टू एडवांस हार्डवेयर की ट्रेनिंग दी जाती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इमर्सिव प्रोग्रामिंग, जिसमें आपको 20 दिन का ट्रेनिंग होता है, 10 घंटा प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं यहाँ पर। और आपको सारा काम हैंड स्किल हो, सर्किट की नॉलेज हो, सर्किट डायग्राम हो, ICO का डाटा शीट हो, या इस तरीके के डुअल लेयर बोर्ड, ब्लैक पेस्टेड बोर्ड, डबल डेकर CPU, जितना कुछ मोबाइल में एडवांस लेवल पे, चिप लेवल पे काम होता है, सारा कुछ यहाँ सिखाया जाता है। हमारे यहाँ पर 8 घंटा प्रैक्टिकल क्लास होती है फ्रेंड्स। अगर आप देखेंगे, इंडिया में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर 8-8 घंटा थ्योरी पढ़ाते हैं आपको प्रैक्टिकल के नाम पे। तो अगर आपको सारा चीज़ हैंड स्किल का काम सीखना है, सर्किट की नॉलेज सीखनी है, मल्टीमीटर से कैसे आपको फॉल्ट फाइंडिंग करनी है, कैसे ट्रेसिंग करनी है, कैसे डेड मोबाइल रिपेयर करना है, हैंड स्किल का काम सारा कुछ आपको सीखना है, अच्छे से प्रोफेशनल वे में काम करना है, तो ज्वाइन कर सकते हैं फोनफिक्स हैदराबाद। डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप करके डिटेल आप ले सकते हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए,
किस तरीके से क्लीनिंग की जा रही है और कैसे रिवॉल्व करेंगे इसको। तो इस लेयर बोर्ड के स्टेंसिल सेपरेट मिलते हैं आपको इस तरीके के, हर मॉडल का एक स्टेंसिल आता है। तो डुअल लेयर बोर्ड काफ़ी सारे मदरबोर्ड में एंड्रॉयड में आ चुके हैं, उसके लेटेस्ट स्टेंसिल आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप यूनिवर्सल वगैरह से करने की कोशिश करेंगे तो ये होने वाले है नहीं फ्रेंड्स, आपको प्रॉपर स्टेंसिल लेना है। नीचे एक टिश्यू पेपर यूज़ करेंगे ताकि बोर्ड हमारा जो है रबर में थोड़ा सा अंदर ना जाए। देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से हमने इसको क्लीन कर लिया है, बहुत नीट कंडीशन, बहुत ही नीटली इसको क्लीन कर लिया है। इसमें ग्लू फ्लक्स या कोई बॉल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेंसिल को मैच करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता से फ्लक्स, आहिस्ता आहिस्ता से पीपीटी यूज़ करेंगे और फिर हम बॉल बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स टिश्यू पेपर से थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी हमको रखने में, तो डायरेक्टली ही हम रख लेते हैं इस तरीके से। नीचे जो रबर है इसी पर डायरेक्टली पीसीबी रख करके स्टेंसिल मैच करेंगे और हम बॉल बना लेंगे इसके सारे के सारे। तो ऐसे स्टेंसिल आपको लेने पड़ेंगे। IQ00 ये एक 5G हैंडसेट है जिसमें आपको पीसीबी में अगर काम करना है तो आपको ये लेयर बोर्ड को रिमूव करना होगा, तब जाकर आप किसी जो अंदर सेक्शंस है IC वगैरह लगे होते हैं उसमें आपको काम करना होता है। अभी फ्रेंड्स एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, डबल IC के अलावा अभी डबल लेयर बोर्ड आ रहे हैं। तो अगर आपको अच्छे लेवल पे मार्केट में काम करना है तो ये सारा काम सीखना पड़ेगा। तो चलिए फ्लक्स, तो चलिए PPD हम अप्लाई कर लेते हैं। तो एक कॉर्नर से देख सकते हैं आप, कॉर्नर से अप्लाई करेंगे। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक सोल्यूशन का वीडियो है। अगर आपको स्किप कर करके देखना है तो आपकी मर्ज़ी है, बट आपको कुछ सीखने नहीं मिलेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता से देखिए आप क्या क्या स्टेप फॉलो कर रहे हैं, सेम स्टेप आप फॉलो करिए, 100% आपका हैंडसेट डन होगा। तो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं फ्लक्स, तो कॉटन से थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं और यहाँ पे वन साइड में जितना आप अप्लाई कर सकते हैं उतना अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद 280 हीट और एयर 2 पे रखेंगे और हम इसके बॉल बना लेंगे। 857 DW प्लस देख सकते हैं, SMD हमने चेंज की है, नोज़ल भी छोटा वाला है, अभी बड़ा नोज़ल नहीं लगा है इसमें क्योंकि हमको बॉल बनाने हैं। तो चलिए बॉल बना लेते हैं और सारे बॉल बन जाते हैं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपको बॉल यहाँ पे बनाने हैं। अच्छे से सारे बॉल बनने चाहिए क्योंकि अगर बॉल छूट जाते हैं तो फिर आपका सेट ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसमें से ही काफ़ी सारी सप्लाइयाँ पास होती हैं मेन बोर्ड से लेकर के इस वाले बोर्ड में। तो थोड़ा अच्छे से हिट कर लेते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत भी बॉल हटे हुए रहेंगे तो वो अपने प्लेस पे वापस से सेट हो जाएंगे। फिर से स्टेंसिल मैच कर लेते हैं, अब हम थोड़ा आगे की तरफ हम बनाएंगे बॉल।
इंडिया में फ्रेंड्स काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं ऐसे जो कि आपको इस तरीके का काम बिल्कुल भी करके नहीं दिखाएंगे। लाइव क्लास में आपको बिल्कुल कोई नहीं दिखाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर हम जो काफ़ी सारे हैंडसेट है स्टूडेंट के साथ लाइव क्लास में रिपेयर करते हैं। तो चलिए इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके सारे बॉल हम रिबॉल कर लेंगे। देख सकते हैं अभी हम इस साइड में हम बॉल बना लेंगे। पीपड़ी अप्लाई करके क्लीन कर देंगे अच्छे से स्टेंसिल को। चलिए यहाँ के भी बॉल बना लेते हैं। वीडियो स्किप नहीं किया है फ्रेंड्स ताकि आप बहुत कुछ इस यहाँ से सीख कर जाएं। सारे स्टेप्स हमने बताए हैं, आप भी इस तरीके से फॉलो करेंगे तो 100% आपके पास भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। पाँच मार्च कल से ऑनलाइन UMC UFS का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप चाहो तो डिटेल लेकर के अपनी सीट बुक कराकर ज्वाइन कर सकते हैं। UMC चेंज और UFS चेंज जो कि इंडिया में किसी भी इंस्टीट्यूट ने अभी तक नहीं बताया है कॉलकम UFS चेंज पर कैसे काम करना है। आगे जा कर के बहुत ही लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर, तो फॉलो करिए अच्छे से, सारा चीज़ देखिए। तो चलिए यहाँ पर भी बॉल बना लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे बढ़ना है बॉल बनाने के लिए। पीपड़ी अप्लाई करके हम यहाँ पे हीट करेंगे और ये भी सारे बॉल हम बना लेंगे। जितना मैक्सिमम आप एरिया कवर कर सकते हो उतना ज़्यादा एरिया कवर करिए, बट बॉल सारे सेम साइज़ के होने चाहिए और सारे बनने चाहिए। कुछ एनसी पिन होते हैं, कुछ ग्राउंड पिन्स होते हैं, बट हमको तो सारे बनाने ही है। चलिए क्लीन कर लेंगे थोड़ा सा स्टेंसिल को। चलिए हीट कर लेते हैं। कॉटन से क्लीन कर लेंगे स्टेंसिल को। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं बहुत ही ये पेशेंस का काम होता है, बहुत ही नरम हाथों से आहिस्ता आहिस्ता आपको करना होता है। जल्दबाजी ना करें, अच्छे से सीखें, आराम से करें तो रिज़ल्ट भी आपका अच्छा ही आएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बॉल हमने बना लिए हैं। एक बार अच्छे से हीट कर लेंगे ताकि जो मिसप्लेस है थोड़े से अपने प्लेस से हटे हुए होते हैं वो सारे वापस से सेट हो जाते हैं अपने प्लेस पे। इस तरह से आपको हीट करनी है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक बार फ्लक्स डालेंगे तो एक बार फ्लक्स डाल करके अच्छे से फिर से हीट कर लेंगे। अगर कोई प्रॉपर ना बैठा हो तो वो भी अच्छे से सेट हो जाएगा। देख सकते हैं थोड़ा सा एयर यहाँ पे ज़्यादा रखेंगे ताकि प्रेशर से वो अपने प्लेस पर सेट हो जाए। बॉल बनने के बाद आपको अच्छे से सेट कर लेना है, वही 2 280 हीट और 3 से 4 एयर रखेंगे यहाँ पर। एयर इसलिए ज़्यादा मारना है फ्रेंड्स ताकि जो बॉल है वो अपने प्लेस पर अच्छे से सेट हो जाए, अदरवाइज़ वो हमको लगेंगे बन गए हैं बट जब हम बोर्ड को पीसीबी में फिट करेंगे तो वो अपने प्लेस पर फिक्स नहीं होंगे, फेक वहाँ पे लगे होंगे, फिर हमारा सेट ऑन नहीं होगा। ये कंफर्म करने के लिए आपको इस तरीके से फ्लक्स लगा करके हीट मारनी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आप टाइम निकाल कर वीडियोस देख रहे हैं और अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, ये वीडियो को अपने एक फ्रेंड के साथ नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे। तो चलिए एक पीसीबी को कूल होने देते हैं, उसके बाद हम पीसीबी को फिट कर लेंगे, लेयर को वापस बोर्ड में लगा लेंगे और फिर किस तरीके से लेयर को लगाना है ये भी ज़रूर देखें और फिर हम बोर्ड को ऑन करके चेक करेंगे कि हमारा जो वर्क है सक्सेस हुआ है या नहीं। एक बार अच्छे से क्लीन कर लेंगे इसको, जो फ्लक्स है सारा फ्लक्स क्लीन कर लेंगे। अच्छे से क्लीन करना है फ्रेंड्स आपको, देख सकते हैं बॉल हमारे सारे बन चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अभी हम पीसीबी को भी क्लीन करेंगे, इसके बाद अच्छे से चेक कर लेते हैं सारा चीज़ ठीक है। देख सकते हैं सारे बॉल अच्छे से बन चुके हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए सारा अच्छे से बॉल बन चुके हैं। तो चलिए अभी अब बारी आती है पीसीबी की, जैसे देख सकते हैं 3 4 पावर ऐसी लगे हैं। ये जो सर्किट होता है फ्रेंड्स इसमें ट्रिपल पावर होता है और एक नेटवर्क सेक्शन के लिए भी पावर अलग से यूज़ किया जाता है, PMX जिसे कहते हैं, और बेस बैंड CPU भी अलग से मिलता है काफ़ी सारे मॉडल्स में, और ट्रिपल चार्जिंग में आपको ट्रिपल पावर में आपको अलग अलग सप्लाइयाँ होती हैं। वो सारा चीज़ हम लाइव क्लास में सिखाते हैं, लाइव चेक करना बताते हैं आपको किस तरीके से करना है। अभी के मॉडल्स में क्रिस्टल के लिए भी एक सेपरेट IC आती है। तो चलिए देख सकते हैं बेस बैंड के लिए क्वालकॉम का SGR भी लगा है। तो चलिए यहाँ पर मदरबोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, अभी जो बेसबैंड IC आ रही है काफ़ी बड़ी आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर कॉलकॉम ने अपनी खुद का बेसबैंड यूज़ कर रहा है अभी के जो मॉडल से। PCB को क्लीन करते वक्त ध्यान रखना है किसी भी कंपोनेंट पर फ्लक्स या किसी भी कंपोनेंट में आपको ये रंगा वगैरह टच नहीं होना है, अदरवाइज लाइन शॉर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर क्लीन कर लेते हैं PCB को, सारे स्टेप्स इसमें हमने बताए फ्रेंड्स आपको, लाइव बताए हैं सारी चीज़, वीडियो को बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो से कुछ सीखें और अपने आप को अपडेट करें, क्योंकि फ्रेंड्स अभी के हैंडसेट्स में जो है सिर्फ जंपर वगैरह काम लगाने से काम नहीं चलेगा आपका, आपको डुअल लेवर बोर्ड, डबल डेकर CPU, ब्लैक पेस्टेड CPU, ट्रिपल पावर या 4 पावर वाले IC पे काम करना होता है। लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है 5G हैंडसेट में। तो चलिए डिसोल्डर वायर से भी हम क्लीन कर लेते हैं, सबसे पहले हमने आयरन से
मेल्टिंग टेम्परेचर को थोड़ा सा कम किया और अभी आहिस्ता आहिस्ता से डिसोल्डर वायर हम यहाँ पर लेयर पर यूज़ कर रहे हैं और क्लीन कर रहे हैं। जब सारा क्लीन हो जाए तो फिर हम इस पर अपर लेयर वाला बोर्ड भी फिक्स कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फोन फिक्स हैदराबाद में आपको इस तरीके का हैंड स्किल का काम दिखाएंगे और आपसे करवाएंगे भी, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मार्केट में 5G हैंडसेट्स आ चुके हैं जिसमें PCB जो है आपको डुअल लेयर मदरबोर्ड आता है, तो इस तरह के मदरबोर्ड पे आपको काम करना होगा आगे जा करके। अभी आप अगर CPU ही वर्क नहीं कर रहे हैं तो समझिए आप कि आपका इनकम उतना ज़्यादा इनकम आपका नहीं होगा। अगर आप डबल डेकर पे काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास ज़्यादा इनकम नहीं आएगी। अगर आपको 5G हैंडसेट पे काम करने नहीं आता है तब भी आपको यहाँ पर इतनी इनकम नहीं मिलेगी। तो क्लीन अच्छे से करना है फ्रेंड्स, ताकि दो बार आपको काम अगर नहीं करना है तो एक ही बार अच्छे से करिए, अच्छा क्लीन करिए, डिसोल्डर वायर को कट करके बार बार यूज़ करिए। आयरन आपका अच्छा होना चाहिए, बड़ा वाला आयरन बिल्कुल मत यूज़ करिए, क्योंकि पास में कंपोनेंट्स है, ICAं हैं, कोई एक रजिस्टर अगर से वहाँ से हट गया या कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया या कोई IC आपकी हीट होकर डैमेज हो गई आयरन वगैरह लग करके, तो फिर आपका सेट ऑन नहीं होगा। तो ध्यान रखना है ये सारी चीज़ों का जब काम कर रहे हैं, सफाई से, क्लीनिंग से, और पूरा पेशेंस के साथ काम करिए और सारा फोकस रखिए आप काम पर। और अगर आपको इंटरेस्ट है ये सारा काम सीखने का, ज्वाइन कर सकते हैं फोन फिक्स हैदराबाद। यहाँ पे आपको प्रोफेशनल लेवल, टीचर लेवल का काम सिखाते हैं, यहाँ पे ट्रेनर लेवल का काम सिखाते हैं, यहाँ पर आपको किंग मेकर बनाते हैं, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनाते हैं। यहाँ पर एक ही चीज़ होता है फ्रेंड्स, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको 50-50 बच्चों के बीच में आप बैठ रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आप भी जाकर उनके जैसे ही बन जाएंगे। किसी भी इंस्टीट्यूट आप चले जाइए, आपको मेहनत करनी होती है, आपको पेशेंस रखना होता है, आपको टीचर के साथ पूरा आपको अपना भी 100% देना होता है। टीचर तो अपना 100% देते हैं बट स्टूडेंट को भी अपना 100% देना होता है, पेशेंस रखना होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा एफर्ट लगता है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है, और अपने आप पर भरोसा रखें, ज़रूर कामयाबी आपको मिलेगी। सिर्फ आप थालियां मारने के लिए जा रहे हैं टीचर के लिए तो फ्रेंड्स आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब पर बड़ी बड़ी बातें सुनकर जा रहे हो तो आप बिल्कुल मत जाइए। अभी तक आप देख रहे हैं काफ़ी सारे ट्रेनर्स इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के ही वीडियो बताएंगे आपको, थ्योरी ही बोर्ड पर पढ़ाते हुए लिखाते हुए दिखाएंगे आपको। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर आइए, आप 100% CPU डन कराएंगे आपसे, 100% 4G CPU आप करके जाएंगे, ब्लैक पेस्टेड CPU 100% आप अपने हाथ से खोलोगे, डबल डेकर अपने हाथ से बनाओगे आप। अभी हम डुअल लेयर बोर्ड पे काम दिखा रहे हैं आपको, आने वाले बैचेस में डुअल लेयर भी हम दिखाएंगे स्टूडेंट को कैसे काम करना है, ये हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे हमारे कोर्स में। 5G ऑलरेडी हमने ऐड कर दिया है 5G का कोर्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको एक प्रोफेशनल लेवल पर काम सीखना है तो ज्वाइन करिए फोन फिक्स हैदराबाद। देख सकते हैं फ्रेंड्स PCB को अच्छे से आपको सेट कर लेना है, देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको ध्यान से सेट करना है कि पहले किस तरीके से था वैसे ही आपको सेट करना है, और फिर से हम बड़ा नोज़ल यूज़ करेंगे और वही 350 पर हम हीट रखेंगे और 3 या 2 हम हीट रखें एयर रखेंगे ताकि थोड़ा सा प्रेशर बना रहे बोर्ड पर, और बोर्ड थोड़ा सा प्रेशर से दब करके नीचे बॉल के साथ वो PCB के साथ अच्छे से बैठ जाए सारे बॉल। अगर हमारे सारे बॉल अच्छे से बैठ गए तभी हमारा सेट ऑन होगा फ्रेंड्स, अदरवाइज टच काम नहीं करेगा या कोई और दिक्कत आ सकती है, ग्राफिक की दिक्कत आ सकती है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो हम नोज़ल को आहिस्ता आहिस्ता से मूव कर रहे हैं, एक जगह पर बिल्कुल मत रखें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप एक जगह रखेंगे तो आपका PCB डैमेज हो जाएगा, वो फूल जाएगा, फिर आपका मूड जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ध्यान रखें इस तरीके का काम करते हुए। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं किया है जैसे आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी टेक्निक और ट्रिक्स होती हैं जो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। विदाउट माइक्रोस्कोप आपको इसे नोज़ल को स्ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता से मूव करना है सारा PCB में, जहाँ जहाँ भी आपको लगता है इस तरीके से आप मूव करें और फ्लक्स यूज़ करें बीच में, और फिर से हीट दें और थोड़ा सा PCB को मूव कर कर भी चेक करें। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स हम यूज़ करेंगे बीच में लेयर में,
फिर हम अच्छे से हीट करेंगे। देख सकते हैं थोड़ा सा फ्लक्स यूज़ करने के बाद हम फिर से हीट देंगे, और हीट दे करके थोड़ा सा पीसीबी को टच करके थोड़ा सा यहाँ पर हम पीसीबी को आहिस्ता से टच करेंगे, वो वापस से अपने प्लेस पे आ जाना चाहिए। तो फ्लक्स अच्छे से डालें ताकि जितना पीसीबी है सारा। तो चलिए फ्लक्स हमने डाल लिया है, यहाँ पे हमने इंजेक्शन टाइप यूज़ किया है फ्लक्स के लिए। तो सारे प्रोफेशनल टूल्स अगर आप रखेंगे तभी आपका काम अच्छा होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोज़ल हमने थोड़ा सा चेंज किया है, दूसरा नोज़ल यूज़ कर रहे हैं अभी। तो आप ध्यान रखें आपको किस नोज़ल से काम कब करना है, ये सारे टेक्निक और ट्रिक्स होते हैं। एयर कितनी रखनी है, हीट कितनी रखनी है, नोज़ल कैसे चलाना है, ये सारा चीज़। यहाँ पे प्रेशर देने के लिए थोड़ा सा एयर हमने 3 से 4 रख लिया है, और 350 से 60 पर हीट हमने रखी है 857 DW+ यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सारा पीसीबी में आपको जहाँ पे भी जहाँ पे ये अपर लेयर का मदरबोर्ड होता है उतना आपको यहाँ पे मूव करना है। एक जगह पर हाथ बिल्कुल ना रखें फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, एक जगह पर हाथ रखने से आपका डैमेज होता है बोर्ड। देख सकते हैं थोड़ा सा हम पीसीबी को ब्लेड से टच करके थोड़ा सा हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं मूव करके। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, जैसे ही पीसीबी कूल हो जाएगा तो यहाँ पे हम पीसीबी को फोल्ड पीसीबी को हम पीसीबी होल्डर से निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम पीसीबी को फोल्डर में फिट कर लेंगे। और डिस्प्ले उसका सारा डैमेज हो चुका था फ्रेंड्स, क्योंकि ड्रॉप डाउन केस था, तो नया डिस्प्ले हमने इसका मंगाया है, और नया डिस्प्ले लगा करके अभी हम चेक करेंगे क्या हमारा फॉल्ट जो डेड था मोबाइल हमारा रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं पुराना पीसीबी इसका डैमेज हो चुका है, तो हमने हटा दिया है, और अब यहाँ पर नया पीसीबी नया डिस्प्ले हम यहाँ पे लगा रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं IQ00 ये एक 5G हैंडसेट है। तो सारा वीडियो फ्रेंड्स हमने 30 मिनट्स का वीडियो सारा लाइव आपको बताया है, कुछ भी हमने यहाँ पर स्किप नहीं किया है, फास्ट फॉरवर्ड में नहीं डाला है, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स जो है सारा चीज़ लाइव देखें। तो एक बार चार्जर लगा लेंगे, बैटरी देख सकते हैं बैटरी का यहाँ पे कनेक्टर नहीं लगाया था, तो चलिए बैटरी का कनेक्टर लगा लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स परसेंटेज यहाँ पे शो हो रहा है, चार्जिंग का लोगो आ चुका है। बैटरी का कनेक्टर पे थोड़ा सा हाथ रखकर इसको ऑन कर देंगे हैंडसेट को। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा हैंडसेट ऑन हो चुका है, IQ00 5G, जो कि फ्रेंड्स अभी लेटेस्ट मार्केट में शायद आपके हाथ में ये अभी आ जाएगा बहुत ही जल्द। उनके यहाँ पर अभी लेटेस्ट मॉडल्स कस्टमर्स के हाथ में बहुत ही जल्द ये डैमेज भी होंगे, ख़राब भी होंगे। तो हमारा यहाँ पे जॉब डन हो चुका है फ्रेंड्स, तो हैंडसेट हमारा अभी पूरी तरीके से ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर हम ऑन होने के बाद चेक कर लेंगे। ये देख सकते हैं इमरजेंसी में हमने जा करके यहाँ पर नंबर वगैरह टच वगैरह पूरी तरीके से काम कर रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ज्वाइन करिए फोनफिक्स हैदराबाद, अपना प्यार ऐसा ही देते रहिए, नीचे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।